हेलो ऑल माय व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों को दो वेज सब्जियों की रेसिपी बताने वाली हूँ। जी हाँ, दो वेज सब्जियाँ जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है और इजी टू मेक है। तो देर किस बात की है, जल्द से जल्द मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस करने बिल्कुल मत भूलिएगा। मेरे जितने भी एग्जिस्टिंग सब्सक्राइबर्स हैं, सबको मेरे तरफ से बहुत बहुत थैंक यू अभी तक मेरे साथ बने रहने के लिए। और जो भी आगे मेरे सब्सक्राइबर बनेंगे उनके लिए एडवांस में मेरे तरफ से बहुत बहुत थैंक यू। तो चलिए बनाते हैं मिक्स्ड बेल पेपर एंड पोटैटो सब्जी मेरे तरीके से। इसके लिए हमको एक कढ़ाई चाहिए जो कि मैं ले ली है। इसमें हम डाल रहे हैं सरसों का तेल, मतलब मस्टर्ड ऑयल। ये मैंने हाफ टेबल स्पून तेल डाली हूँ इसमें। अभी हम इसमें मिला रहे हैं जीरा और सूखी लाल मिर्च तोड़ के। आप चाहे तो बिना तोड़े भी डाल सकते हैं। इसको थोड़ा सा मिक्स कर ले रहे हैं। अब हम इसमें डाल रहे हैं क्रश किए हुए गार्लिक। मुझे थोड़ा गार्लिक का जो फ्लेवर है बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मैं थोड़ा ज़्यादा डाल रही हूँ। आप चाहे तो कम भी डाल सकते हैं और इससे ज़्यादा भी डाल सकते हैं। इसको थोड़ा सा भून लिए और अब हम इसमें मिलाए हैं आलू, जो कि एक मीडियम साइज़ का आलू है। और साथ में मैं मिला रही हूँ हाफ कटे हुए बेल पेपर्स, रेड, येलो और ग्रीन। तीनों ही बेल पेपर को हाफ हाफ मैंने काट लिए थे। इसको थोड़ा सा ढक्कन लगा रहे हैं 2 मिनट के लिए, ताकि थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए। मिक्स कर लेना है। अब हम इसमें मिलाए हैं हल्दी, थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर। ये कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर है, जिससे तीखापन नहीं होता है, कलर होता है। थोड़ा सा सब्जी मसाला, स्वाद अनुसार नमक। अच्छे से मिक्स कर ले रही हूँ। अब इसको ढक्कन लगा के थोड़ा सा स्लो फ्लेम में 5 मिनट तक पका लिए हैं। स्लो फ्लेम में इसलिए ताकि इसमें से जो थोड़ा पानी निकले और मसाला अच्छे से एक दूसरे के साथ मिक्स हो जाए। इसको और 2 से 4 मिनट पका लेंगे ढक्कन लगा के। थोड़ा सा पानी मिला दिए हूँ। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और थोड़ा सा इसको ढक्कन लगा के 5 मिनट तक पका लेंगे। कि आलू भी पक गया है। अब इसमें हम थोड़ा धनिया पत्ता डाल के गार्निश कर दे रहे हैं और ये सब्जी खाने के लिए बिल्कुल तैयार है। इसे अब रोटी, पूरी या पराठे के साथ आराम से खा सकते हैं। है ना इंटरेस्टिंग और इजी। इसे आप ज़रूर बनाइएगा और मुझे बताइएगा आपको ये रेसिपी कैसा लगा। कोई अगर सवाल हो इस रेसिपी को लेके, आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, सवाल पूछ सकते हैं। अभी हम बनाएंगे हमारी दूसरी रेसिपी, जो कि आलू पटल की भुजिया है। ये बहुत ही सिंपल सा रेसिपी है और बहुत ही आसानी से बन जाता है। इसे हम बनाएंगे। इसके लिए मैंने लिए हैं 250 ग्राम पटल और 2 मीडियम साइज़ के आलू, जिसे हम लंबा लंबा करके काट लेंगे। आलू पटल की भुजिया बनाने के लिए हमने एक कढ़ाई ले लिए हैं, जिसमें हम आधा टेबलस्पून डाले हैं सरसों का तेल। तेल जैसे ही गर्म हो जाएगा, इसमें हम डालेंगे काला जीरा
और साथ में सूखा लाल मिर्च, इसे आप चाहे तो तोड़ के भी डाल सकते हैं। अभी हम इसमें मिला रहे हैं आलू और साथ में हम इसमें मिलाएंगे कटे हुए पटल। दोनों को ही हम लंबे लंबे तरीके से काट लिए हैं। बहुत ही सिंपल और आसान रेसिपी है, इसमें कोई तामझाम नहीं है, आप आसानी से घर में बना सकते हैं। जिन्हें कुकिंग आता भी नहीं है वो भी ये सब्जी आराम से बना लेंगे। अच्छे से मिक्स कर लेना है और अभी इसको 2 मिनट के लिए हम ढक्कन लगा के पकने देंगे हाई फ्लेम में, ताकि ये थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए और इसका जो स्मोकी फ्लेवर है वो ही बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होती है, तो वो फ्लेवर के लिए हम इसको ढक दिए थे। और इसको हम 2 मिनट पका लिए हैं। अभी हम इसमें मिला रहे हैं नमक अपने स्वाद अनुसार, साथ में हम इसमें मिला रहे हैं हल्दी। अब इसको अच्छे से हम मिक्स कर ले रहे हैं ताकि नमक और हल्दी अच्छे से मिक्स हो जाए सब्जी में। अब इसको हम 5 मिनट तक पका लेंगे ढक्कन लगा के। 5 मिनट हो गया है और सब्जी काफ़ी पहले से पक चुकी है और 2 मिनट तक पका ले रहे हैं। ये है थोड़ा सा डाला हुआ सब्जी मसाला, जो कि ऑप्शनल है, आप चाहे तो डाल सकते हैं, नहीं चाहे तो नहीं डाल सकते। क्योंकि मैं इसमें कोई हरी मिर्ची या कुछ लाल मिर्ची नहीं डाली हूँ, सिर्फ सूखा मिर्ची का छौंक दी हूँ, इसलिए मैं थोड़ा सब्ज़ी मसाला डाली हूँ ताकि उसमें थोड़ा सा अलग सा स्मेल या इसका स्वाद थोड़ा सा डिफरेंट हो। लीजिए, हमारे आलू पटल की जो भुजिया है ये बनके बिल्कुल तैयार है। हमको तब तक ही पकाना है जब तक ये आलू पक ना जाए, और क्योंकि ये आलू बहुत छोटा छोटा करके काटा हुआ है आसानी से पक जाता है। तो कैसा लगा हमारी ये दोनों रेसिपी, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा आपको ये रेसिपी आपको कैसा लगा है। अभी तक अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए तो सर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सर मैम जो भी है, बच्चे, कॉलेज के बच्चे, सब जो भी पसंद करेंगे सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इंतज़ार करिएगा मेरे नेक्स्ट वीडियो के लिए। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय।